हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल की एन अकेडमी। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा इंटरव्यू प्रोसेस की। टेक महिंद्रा के इंटरव्यू प्रोसेस में कितने राउंड्स होते हैं, टॉपिक एंड सब टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरव्यू के राउंड्स के टॉपिक्स क्या होते हैं एंड वहाँ पे कितने सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू राउंड्स की कि कितने राउंड्स हमारे वहाँ पे होते हैं। तो देर आर फोर राउंड्स। सबसे पहला जो हमारा राउंड होता है वो रिटन टेस्ट, जो कि एप्टीट्यूड होता है, एंड सेकंड राउंड जो था हमारा टेक टेस्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि टेक टेस्ट एंड रिटन टेस्ट जो कि हमारे दो राउंड्स होते हैं, एंड थर्ड राउंड होता है टेक्निकल इंटरव्यू, एंड फोर्थ राउंड होता है हमारा जो होता है एचआर इंटरव्यू। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ टेक महिंद्रा। ओके, एंड अब हम बात कर लेते हैं इनके सब टॉपिक्स के बारे में कि रिटन टेस्ट में क्या आता है, एसे राइटिंग में क्या आता है, एंड टेक टेस्ट में क्या आता है। ओके, सो हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राउंड वन, जो कि हमारा होता है रिटन टेस्ट। तो गाइस, राउंड वन में हमारे वहाँ पे दो सेक्शन होंगे, सेक्शन वन एंड सेक्शन टू। अब सेक्शन वन में क्या होता है, सेक्शन टू में क्या होता है। तो गाइस, सेक्शन वन में हमारा होता है क्वांट रीजनिंग एंड वर्बल, एंड वहाँ पे सेक्शन वन की भी सब सेक्शन होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारा होता है क्वांट, आफ्टर क्वांट आपको रीजनिंग मिलेगी, आफ्टर रीजनिंग आपको वर्बल मिलेगी। ओके, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कितने होते हैं एंड टाइम ड्यूरेशन क्या होते हैं वो मैं आपको अभी नेक्स्ट बता दूंगा। तो यहाँ पे क्वांट एंड रीजनिंग वर्बल, एंड फिर हमारा सेक्शन टू होता है, उसमें ऐसे आपको राइट करना होता है जो कि 200 वर्ड्स में आपको वहाँ पे लिखना होता है। सो दिस इज द सेक्शन टू सेक्शन। ओके, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड जो हमारा होता है टेक टेस्ट। अब टेक टेस्ट में क्या होता है, वहाँ पे 25 एमसीक्यू प्लस वन कोडिंग क्वेश्चन टेक टेस्ट में होता है। हम कहीं 25 एमसीक्यू क्वेश्चन के सब टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, कहाँ से आते हैं एमसीक्यू। तो गाइस, वहाँ पे आपको जो सारे सी एस के सब्जेक्ट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, सी प्लस प्लस, सी, जावा एंड कंप्यूटर नेटवर्क, सारे जो होते हैं सी एस के सब्जेक्ट्स, तो आपको उनकी बेसिक नॉलेज होगी, तो आपको सी प्लस प्लस के या फिर सारे सी एस के सब्जेक्ट्स के वहाँ पे एम सी क्यू सॉल्व हो जाएंगे। तो वही सब कुछ एम सी क्यू में पूछे जाते हैं, एंड वन कोडिंग क्वेश्चन जो कि जावा, सी प्लस प्लस एंड पाइथन में से हो सकता है। एंड गाइस, वन इम्पोर्टेंट थिंग, कोडिंग क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है एज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड वहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं टेक महिंद्रा की कि हमारा जो रिटर्न टेस्ट होता है, टेक टेस्ट होता है, वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। यस, नेगेटिव मार्किंग होती है। एंड गाइज, अब हम टाइम का डिस्कस कर लेते हैं कि टाइम कितना होता है राउंड वन एंड राउंड टू के लिए। तो राउंड वन के जो दो सेक्शन से, सेक्शन वन एंड सेक्शन टू, तो उनके लिए जो हमारा टोटल टाइम होता है 1 आवर 30 मिनट, तो टेस्ट ड्यूरेशन होती है आपकी फर्स्ट राउंड के लिए। एंड सेकेंड राउंड जो हमारा होता है एमसीक्यू प्लस कोडिंग वेस्ट, उसका हमारा टाइमिंग होती है 65 मिनट। एंड गाइस, वन मोर पॉइंट, आपको जो मैंने बताया था कि सेक्शन टू में ऐसे राइटिंग होता है, ऐसे राइटिंग को 200 वर्ड्स में लिखना होता है, उसका टाइम अलग होता है 15 मिनट, जो कि इंक्लूड होता है यहाँ पे 1 आवर 30 मिनट में इंक्लूडेड होता है। ओनली 15 मिनट में आपको वहाँ पे ऐसे राइट करना। ओके, वैसे हम नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन वहाँ पे कितने होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन वन की। सेक्शन वन में जो पॉइंट रीजनिंग वर्बल होता है, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, तो पॉइंट के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 10 क्वेश्चन। गाइस, यहाँ पे एक और चीज, पॉइंट के जो क्वेश्चन होंगे वहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे एंड थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होंगे। अगर आपको बेसिक्स लाइक इसके सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे एजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डेसिमल नंबर्स, सिस्टम नंबर सिस्टम, सारे टॉपिक्स जो भी होते हैं पॉइंट के, वहाँ पे आपको अच्छी पकड़ बनानी होगी एंड शॉर्ट एंड ट्रिकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा, तो आपके क्वांट के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो आते हैं वहाँ पे सॉल्व हो जाए। एंड रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं हमारे 30। एंड रीजनिंग में आप, मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगा कि वहाँ पे रीजनिंग के नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं अपार्ट फ्रॉम वर्बल रीजनिंग, राइट। तो आपको अगर स्कोर करना है तो थोड़ा सा नॉन वर्बल रीजनिंग पे फोकस कीजिए, तो आपका वहाँ पे रीजनिंग का जो सेक्शन होता है, पार्ट होता है, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। हम बात करते हैं वर्बल। वर्बल में तो सारे जो आते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सारे जो पूरा सेक्शन डिवाइड होता है सब सेक्शन में, सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना होंगे एंड इंग्लिश की बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे 35 क्वेश्चन होंगे एंड आपके सॉल्व हो जाएंगे। एंड नंबर्स जो हमारा होता है यहाँ पे ऐसे का, ऐसे राइटिंग में हमारा एक ही क्वेश्चन आएगा जो को आपको 15 मिनट में सॉल्व करना होगा, लिखना होगा। ओके गाइस,
ये हमारा सारा टेक महिंद्रा का जो इंटरव्यू प्रोसेस था, लाइक 4 राउंड्स मैंने सब कुछ डिस्कस किया है। टेक राउंड में क्या होता है, कितनी टाइमिंग होती है, एंड ऐसे राइटिंग में क्या होता है। ऐसे राइटिंग में एक चीज़ और बता दूँ आपको कि ऐसे राइटिंग में टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, वो लाइक डेली लाइफ के टॉपिक्स होते हैं, करंट अफेयर के टॉपिक्स हो सकते हैं, स्पोर्ट, लाइक कोई भी टॉपिक हो सकता है। ऐसे राउंड जो हमारा होता है वो बेसिकली कम्युनिकेशन टेस्ट करने के लिए वहाँ पर रखा जाता है कि लाइक कैंडिडेट की कम्युनिकेशन कैसी है, तो वहीं पर वो कम्युनिकेशन चेक करने के लिए वो ऐसे राउंड आपका रख देते हैं जो कि 50 मिनट में आपको सॉल्व करना होता है। ओके, तो गाइस जी था हमारा टेक महिंद्रा का इंटरव्यू प्रोसेस, एंड इसी टाइप की लाइक आपको कोई भी कैंपस प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में हमारी कैंपस प्लेसमेंट की प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप लाइक एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कैसे करें, केस स्टडी राउंड कैसे लाइक क्रैक करें, तो सारा सब कुछ आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड इस वीडियो के लिए थैंक यू गाइस, एंड आगे की वीडियो में और भी सब कुछ डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।